अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त DIY मेकअप रिमूवर, जो आप अपने घर में पड़ी हुई सिर्फ दो चीज़ों के साथ इजीली बना सकते हो, जो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। नॉर्मली हम मार्केट से मेकअप रिमूवर्स लेते हैं इतने एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, और फिर मैसलर वाटर लेते हैं, तो इतना एक्सपेंसिव होने की वजह से जब हम उनको यूज़ करते हैं तो डर लगता है यार फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ में आपको वो भी डर नहीं लगेगा, आप सिर्फ दो चीज़ों के साथ ये बना सकते हो, और अगर आप ईजी हो तो आप सिर्फ चार चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करूँगी, उसके अलावा मैं आपको रिमूव भी करके दिखाऊंगी कि सिर्फ बात नहीं है, ये वाकई वर्क करता है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनाब, मैं आपके साथ ये कंटेनर्स वगैरह भी शेयर कर दूंगी कि आप किस किस चीज़ में इसको स्टोर कर सकते हो। मैं अर्के गुलाब यहाँ पे यूज़ करूँगी, अगर आपके पास अर्के गुलाब नहीं है तो उसकी जगह आप फ़िल्टर वाटर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ दो चीज़ों के साथ बनाना है तो आप बेबी शैम्पू और बेबी ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल या इसके अलावा ओलिव ऑयल, इन तीनों ऑयल्स में से आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कोकोनट ऑयल है ये मेरी मामी ने भेजा था मुझे कराची से, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्रेश मिलता है कोकोनट ऑयल, तो उन्होंने मुझे भेजा था। बड़ा मज़े की खुशबू होती है इसकी। तो मैं इस वाले कंटेनर में बनाऊंगी, क्यों बनाऊंगी इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके साथ ये एक होल सा आता है जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतनी ही क्वांटिटी बाहर आएगी। दैट्स व्हाई मैं इस कंटेनर में बनाऊंगी। उसके अलावा अगर आपको स्टोर करना है अपने बैग में, तो आप इस तरह की कोई छोटी सी डिब्बी ले कर अपने कॉटन पैड्स को वेट करके इसके अंदर आप इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। उसके अलावा आप इस तरह का कोई जार लेके, जो नॉर्मली जैम के जार्स होते हैं, आप इसके अंदर भी स्टोर कर सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये आपको काफ़ी टाइम तक चल जाएगा, ख़राब नहीं होता। और इसमें मैं एलोवेरा जेल भी जो यूज़ करूँगी, अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप वो नहीं करो, क्योंकि वो फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी रोज़ वाटर, क्योंकि मेरा फ़िल्टर ख़राब हो चुका है, दैट्स व्हाई मुझे लेना पड़ेगा रोज़ वाटर। अगर आपके घर फ़िल्टर है तो आप रोज़ वाटर ले सकते हो, और अगर आप फ़िल्टर वाला पानी या फिर मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला शायद अच्छा, आप फ़िल्टर का पानी भी ले सकते हो, रोज़ वाटर भी ले सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ें पीछे कर दी हैं ताकि ईज़िली आपको समझा सकूँ। उसके अलावा आप एक ऐसी स्प्रे बॉटल भी ले सकते हो जिससे आपको और ईजी हो सकता है। तो मैंने रोज़ वाटर लिया है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, मैं आपको बता रही थी रोज़ वाटर और फ़िल्टर वाला पानी, तो आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हो जो आप मुंह वगैरह धोने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो मैं सारा इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी वाटर इसके अंदर। मैंने थोड़ा सा बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि फिर मैं बाद में और बना लूँगी। मैं रोज़ वाटर थोड़ा लेके आई थी। तो अगर आप चाहो तो इस पानी, मैंने इतना पानी यूज़ किया है, आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, लाइक कितना आप अगर यूज़ कर रहे हो। तो जितनी क्वांटिटी मैं भी आपको बता रही हूँ दूसरे प्रोडक्ट्स की, आप वो डबल कर दोगे। अगर आपको इतना ही बनाना है तो जितना मैं आपको बता रही हूँ आप उतना उतना डाल लो। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ क्या, आई थिंक बेबी शैम्पू यूज़ करेंगे हम पहले। अच्छा, बेबी शैम्पू हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये टीयर्स फ्री होता है, आपको अगर आँखों आँखों में लग भी जाए ना तो मसला नहीं होता आपका। दस बार हम बेबी शैम्पू यूज़ करेंगे, और ये आपने तकरीबन लेना है हाफ़ टी स्पून ले सकते हो आप, या वन टी स्पून आप ले सकते हो, टेबल स्पून सॉरी, हाफ़ टेबल स्पून या फिर वन टेबल स्पून आपने इसके अंदर डाल देना है। इसका कोई मसला नहीं होता बिकॉज बताया टीयर्स फ्री होता है। तो अगर बेबी शैम्पू थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद हम लेंगे बेबी ऑयल। जितना हमने बेबी शैम्पू यूज़ किया था उतना ही हम इसमें बेबी ऑयल भी यूज़ करेंगे। वैसे मैंने इस वीडियो में कोकोनट ऑयल यूज़ करना था, लेकिन वो सर्दी होने की वजह से ना जम गया है, दैट्स व्हाई मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे मजबूरन ये बेबी ऑयल यूज़ करना पड़ा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपकी मोजें लगी हुई हैं, क्योंकि ये फिर आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल, और मैंने ये लिया था हाफ़ टेबल स्पून लिया या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया, ये मैंने वन टेबल स्पून नहीं लिया, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप इसको डाल लो, अगर आपको नहीं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अच्छा, तो अब मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर, अच्छा ये मैं पर्सनली आपको बताऊं, ये मैंने बेबी ऑयल और बेबी शैम्पू अपनी फूफो से बोरो किया है, ये मेरा अपना नहीं है, ना मैं इसको ख़रीद के लेके आई हूँ। उसके बाद जो मैंने आपको वो एक होल दिखाया था वो मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है।
अच्छा ये विनेगर की बॉटल है, तो जब मैंने इसको देखा था मेरी नींद ख़राब हो गई थी कि मुझे चाहिए। उसके बाद ये मैंने अच्छे से शेक करके इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। आपको इसको जब भी यूज़ करना है ना, आपको पहले शेक वेल बिफोर यूज़ आप इसके ऊपर लिख लो, और आपको करना ही करना है बिकॉज़ वो फिर सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, तो इतना अच्छा रिज़ल्ट फिर नहीं आता। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ अप्लाई करके, मैं ये क्रायलॉन की टी पिन स्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ कहीं आपको ये ना लगे कि शायद ये ऐसे ही है या ऐसा नहीं है। मैंने सबसे पहले स्टिक अप्लाई की है, और इसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी, गोल्डन ग्लिटर। ये वही ग्लिटर है, डायमंड ग्लिटर, जो मैंने दिखाया था आपको अपनी एक वीडियो में जब मैं आई थी। ये लोकल लिया था मैंने 100 रुपीज़ का। तो उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया। उसके बाद स्वीट टच की मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक, स्वीट टच की लिपस्टिक है, ये ओरिजिनल है, फेक नहीं है, कॉपी नहीं है। ये मैंने 360 की दो ली थी, उस टाइम इन पे कोई डील चल रही थी, तो इसका नंबर है आई थिंक 771। और ये मैंने लिया था ब्राइडल मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप्स में भी आप ये यूज़ कर सकते हो, बट मैंने स्पेशली लिया था ब्राइडल मेकअप के लिए। लिप लाइनर लगा के और उसके नीचे आप ये अप्लाई कर सकते हो, बड़ा मज़े का एक लुक आता है। तो ये लोकल नहीं है, जो चीज़ लोकल होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैंने लिए हैं ये कॉटन पैड्स, जो मैं आपके लिए लेके आई थी एक वीडियो में, और उसको आज मैं यूज़ करने वाली। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक DIY बनाना है, उसके लिए मैं सब चीज़ें लेके आई थी। तो ये सिक्योर था, पहले उसके ऊपर एक लगी हुई थी, पता नहीं पैकिंग थी, सील थी इसकी, और उस सील को जब मैंने ओपन किया था और उसके बाद एक ही थ्रेड लगा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको बंद दोनों साइड से करना है एक साइड से। तो उसके बाद मैंने अच्छे से शेक कर लिया, कॉटन पैड लिया है, और इसको मैं वेट कर लूँगी जैसे आप देख रहे हो। ऑलमोस्ट 4 दफ़ा मैंने इसको इस तरह करके अच्छे से वेट कर लूँगी, और अच्छा सा वो सारा लिक्विड अपने कॉटन पैड पे लेके और मैं उसे मेकअप रिमूव कर लूँगी। अगर कभी समटाइम होता है कि 4% 5% आपका मेकअप बाकी बच भी जाता है, तो इट्स ओके, इतना तो चलता ही है। उसके बाद आपको फेस वॉश तो करना ही है ना, तो इसको जेंटली आप मसाज करो ऐसे अपने हाथ पे, तो आप देखते जाओगे, शायद आपको नज़र भी आएगा कि ये कितना इजीली सब कुछ रिमूव हो गया। ये सब ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थे सिवाय लाइनर के, जो क्रायलॉन की स्टिक थी वो भी ओरिजिनल थी, और जो लिपस्टिक थी वो भी ओरिजिनल थी, लेकिन कितने अच्छे से इसने ये सब कुछ क्लीन कर दिया है। तो अब इतने सारे पैसे आप खर्च करोगे, उससे अच्छा है आप उतने एक मार्सलर वाटर जो गार्नियर का छोटे वाला आता है, वो उसकी प्राइस 450 आई गेस। तो आप की जो ये दो चीज़ें हैं या तीन चीज़ें हैं, आप इस 450 के अंडर आप ये लेके बहुत बार आप इनको यूज़ कर सकते हो, और आप देखोगे कितना अच्छे से इसने सारा प्रोडक्ट पी लिया था और फ़ौरन से सब कुछ क्लीन कर लिया है। तो पैसे बचाओ और दिमाग लड़ाओ, ये वाला DIY बनाओ, जो भी ये DIY बनाएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।